Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे में किस तरह की घटनाएं हो सकती है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोरिक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. ये नेक्स्ट 72 आवर्स में हम अवश्य ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर चेंजेस आ सकता है. ठीक है, सो जनरल प्रेडिक्शन है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. लास्ट में हम चार्म्स को यूज़ करेंगे. ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बहुत बड़े परिवर्तन क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं, क्या घटनाएं घटित हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में. प्लीज़ मुझे समय दे दीजिए फ्रेंड्स. मुझे देख इस तरह से महसूस हो रहा है कि अगले 72 आवर्स में ना आपको एक कन्फ्यूशन या आपको एक एंग्जाइटी या आपको टेंशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो. ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे ना मतलब आपका प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग के गड़बड़ के वजह से वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में आप इनिशिएटिव लेंगे कि फिर से मुझे वो प्लान कर लेने चाहिए आगे के लिए, आगे की भलाई के लिए मुझे वो प्लान करना ही पड़ेगा और उसमें मुझे सफलता लेके आना ही पड़ेगा. सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांगली डिटरमाइंड हो सकता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे अभी से ही सॉर्ट आउट कर लेने हैं. बाद में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसकी शिकायत नहीं आने चाहिए. सो मे बी आपके बॉस ऑलरेडी आपको कुछ टास्क दे चुके हैं, लेकिन वो डेडलाइन हो सकता है कि मे बी 4-5 दिन के बाद ही हो और आपको वो चीज़ कंप्लीट करना पड़े. मे बी आपके बॉस, आपके मेंटोर या आपके टीचर, आपके गाइड, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके हेल्प के लिए. ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है सोमा, दैट इज़ द सोम रस वाला. यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक एक जो पैशन बन रहा है आपके काम का, तो आप हमेशा याद रखना ये चीज़ ऐसे ही नहीं हो रहा है. ठीक है, आपके अंदर जो है, आपकी जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी जो आध्यात्मिक दुनिया में जो विश्वास है, यही आपको आगे लेके जाएगा. नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे दिख रहा है कि यू विल जस्ट बी टेकिंग फोटोग्राफ्स इन सम काइंड ऑफ फैंसी ड्रेसेस और समथिंग, एंड आप इसकी क्लिक करोगे फोटोज़ को, आप सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो और एक्सपेक्ट करोगे कि कमेंट्स आ जाए, लाइक्स आ जाए. आई डोंट नो, मे बी यू विल बी अटेंडिंग सम इवेंट्स, हो सकता है कि आप कुछ इवेंट्स अटेंड करें इसके वजह से हो. नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कुछ बोल्ड चॉइसेस करते हुए दिखाई दे रहे हो. मतलब क्या है ना, हो सकता है कि दो रिलेशनशिप में आप कन्फ्यूज्ड है, लेकिन फाइनली जाके ना आप डिसाइड कर ही लेंगे कि नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, राइट, वो मुझे नहीं चाहिए. जहाँ पे मेरी मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है तो वहाँ पे वो रिश्ता तो बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए. मैंने ऑलरेडी, हाँ, मेरा चाहत था, मेरी जो है खुशी थी उसमें, बट अब और नहीं, अब और हम नहीं सहन कर सकते. सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल टेक अ बोल्ड डिसीजन. ओके, आई टू फाइंड लाइक यहाँ पे ना इस तरह से है कि कुछ हेयर क्लिप्स या हेयर पिंस या टियारा, इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे. ओके, एंड यू कैन सी अगेन इट इज़ फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ तोरण, फ्लावर्स अरेंजमेंट, कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. आई डू फाइंड कि किसी का हो सकता है कि जिसने आपको कोई भी हार्श वर्ड्स सुनाए थे, यहाँ पे एक पत्ता दिखाई दे रहा है, ग्रीन लीफ. सो आई डू फाइंड किसी ने अगर हार्श वर्ड्स आपको सुनाए होंगे, ठीक है, सो बेसिकली उसका ऐसा ज़रूर वो कहेगा आपसे कि देखो उस टाइम पे मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था या बहुत ज़्यादा मैं इरिटेटेड था, मैं अपने काम के प्रेशर की वजह से
बॉस मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल ही दिया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नाउ इट्स योर टाइम टू फॉरगिव देम और नॉट। ये कोई भी हो सकता है, आपकी भाई बहन, आपके रिलेटिव, कोई भी हो सकता है। आप ऐसे इंसान है ना कि आप किसी में भी फर्क नहीं देखते इतना ज़्यादा। आप फॉल्ट फाइंडर तो बिल्कुल नहीं है, लोगों की कमी देखे इस तरह का इंसान नहीं है, बट फिर भी जैसे लोग जैसे बैठे हुए हैं आपकी फॉल्ट देखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कुछ घटनाएं इस तरह से होगी कि आप प्रमाण कर दोगे कि आपके अंदर वो फॉल्ट बिल्कुल नहीं था, वो आपकी गलती बिल्कुल नहीं था। किसी की नज़रिया को बदलने के लिए आप खुद तो नहीं चेंज हो सकते ना, उसका नज़रिया है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा हो सकता है कि आपको रियलाइज उसका खुद का रियलाइजेशन हो कि यस इट्स नॉट वॉट दैट। यहाँ पे बार बार इट इज गोइंग लाइक zigzag तोरण लाइक क्या है वो खास अनुष्ठान, आप प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन पे कि क्या अनुष्ठान हुआ था विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, या आप कोई जगह पे इनॉग्रेशन या लॉन्च के लिए पहुंचे। हो सकता है कि आपकी भाई भैया या कोई भी बहन, हो सकता है आपके पार्टनर की, हो सकता है न्यू बिजनेस लॉन्च के लिए आप गए हुए थे। यहाँ पे आउल मुझे दिखाई दे रहा है, आउल फेस। सो सकता है कि कुछ मिडनाइट आपको कुछ सपने दिखे जहाँ पे क्लियर इंडिकेशन, जहाँ पे आप अपने आंसर्स को ढूंढ पाए, उसी सपने में आपको पता चल जाएगा, बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली डेवलपिंग साइकिक एबिलिटीज, जो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ इस तरह से है। ओके कुछ मेंटोर्स, कुछ गाइड्स ना, मतलब वो हो सकता है कि आपको ऐसा मौका मिले कि आप कुछ समय तक फ्री एक्सेस करो कुछ मटेरियल्स का, कुछ कोचिंग मटेरियल्स का हो सकता है, कुछ स्टडी मटेरियल्स का हो सकता है, कि कुछ समय तक आप उसको फ्री में एक्सेस करो। उसके बाद ट्रायल पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद हो सकता है कि आपको पेमेंट देना पड़े, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। या आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उसका सैम्पल आप ले लिए, फिर बाद में आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस के लिए आपको सैम्पल पहले ट्राई करना पड़े। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कुछ नाम सोच लोगे अपने नए कंपनी का या नया बिजनेस का, या हो सकता है यहाँ पे देखो वाटर जग आया। सो आई डू फाइंड कि कुछ आपको जैसे गंगा जल छिड़कने की भी ज़रूरत है घर में, उसी तरह से हो सकता है कि आप कुछ करो कि आपके जो वास्तु की प्रॉब्लम्स है वो दूर हो। आपको कुछ ऐसा एडवाइस भी मिले नेक्स्ट 72 आवर्स में। मुझे दिख रहा है नेम, हो सकता है कि आप कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए या आप जाने की सोचे। मैं नहीं बोल रही कि फाइनली आप पहुंच रहे हैं, फॉर द बेटरमेंट मे बी इट इज़ लाइक दैट। या आप कुछ सॉल्यूशंस तो लेते हुए दिखाई दे रहे हो किसी से, कि कुछ ताबीज़ आप हो सकता है कि ले रहे थे, या कुछ ऐसा आपने स्टोन्स लिया या कुछ ऐसे लिया, एडवाइसेस लिए, गाइडेंस लिए किसी से। हो सकता है कि आप अपने प्रोफेसर के घर पहुँचे और उनसे वो आपको स्पेशली मदद करना चाहते हैं। सो हो सकता है वो ऐसे लोगों को मदद करते हैं जिनके पेरेंट्स उनके एजुकेशन में सपोर्ट नहीं करते। आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा गाइडेंस, बहुत ज़्यादा एक मेंटल सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं हायर एजुकेशन करने के लिए। आप पूरी तरह से शॉक्ड रह जाएंगे कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो मुझे पढ़ने ही नहीं देना चाहता था या चाहती थी, इस तरह से हो सकता है। एक शूज़ मुझे दिखाई दे रहा है, सो समवन विल बी बाइंग इट, और हो सकता है कि शूज़, ऑफ कोर्स इट मीन्स द नेक्स्ट एक्शन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी टेकन।
नेक्स्ट एक्शन के लिए अगर आप बैठे हैं अपने पार्टनर के लिए, हो सकता है कि आपके लिए ठोस कदम या निर्णय ले ले। ओके, अब झुक के क्यों बैठे हो, झुकते क्यों हो आप इतना ज्यादा? खेल के मैदान पे आप हार क्यों जाते हो? बिकॉज ऑफ यू नो ऑफ द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी के कहने से, किसी के इंस्पिरेशन के वजह से आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा आपकी आंखों में छलकेगा वो दर्द। आपको लगता है जैसे आपको कोई समझता नहीं या समझना ही नहीं चाहता है, जैसे सब लोग आपको ऊपर हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी काफ़ी ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस एंड चेंजेस हो सकती है। इस दौरान आप कोई ठोस कदम ना उठाए, जब आप बहुत एक्साइटेड हो या आप बहुत गुस्से में हो। आप अगर एक मॉम है तो मुझे दिख रहा है आप अपने बच्चे को, हो सकता है कि वीकेंड्स का टाइम हो और आप बहुत लाड प्यार कर रहे हैं उनको, क्योंकि पूरा हफ्ता तो आप उनको शायद कम ही समय दे पाते हैं। एंड दिस कैन इम्प्रेस योर पार्टनर अ लॉट। ओके, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है। सो कैंसर पैशेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि है। सो ऊपर से मुझे ये दिख रहा है सम रेन डांस, सम बैचलर पार्टी, सम हेंस पार्टी, सम गेट टुगेदर, सम लाइक ओकेशंस में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे है। ओके, सजिटेरियस वृषभ राशि है, धनु राशि है, टॉरस। ओके, एल लेटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, LHKYV। आज जब भी कुछ दिनों से तोड़न आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रिटी इट इज़ क्लियर तक कुछ ऐसे समय ज़रूर होगा कि जहाँ पे ना आप सेलिब्रेट करते हुए ही दिखाई दे रहे हो। स्टार इज अ विश फुलफिलमेंट, ऑफकोर्स योलो यूनिकॉर्न है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक डिरेक्शन में एक फ्रेंडशिप, एक अपलिफ्टमेंट ऑफ योर करियर, यहाँ पे एक न्यू जर्नी, ऑफकोर्स वेल्थ हेल्थ इम्प्रूवमेंट आपकी होते जा रही है। ओके, दिस इज़ द चेरी ब्लॉसम, जहाँ पे चेरी ब्लॉसम ऐसा है कि अगर वो आ जाए तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की दस्तक ज़रूर होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लावर्स है। सो मे बी समवन इज गोइंग टू गिफ्ट यू समथिंग। ट्विंस है यहाँ पे, देखो चॉकलेट्स। आई टू फाइंड लॉट ऑफ वेराइटीज और सेलिब्रेशन। यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस, ठीक है, आपके साथ हमेशा एंजेलिक प्रोटेक्शन रहेगा। आर्कएंजल माइकल को अगर आप बुला सकते हैं अपने मन में तो वो सारे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा उससे रिलीफ देने की कोशिश तो वो ज़रूर करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। सो इफ यू कैन कॉल आर्कएंजल माइकल, बिकॉज आई कैन फील लाइक योर लव इज गाइडेड बाय आर्कएंजल माइकल। डॉल्फिन इज देयर, सेप्टिपिन इज देयर, द स्टैचू इज देयर। सो आई डू फील लाइक कोई आउटिंग, कोई ऑफ डे आप लोगे एंड डेफिनेटली विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली। आप अपने फैमिली के साथ जब समय बिताओगे, आपको पहले ऐसा लगता होगा कि नहीं मुझे नहीं अकेला ही, ठीक है मैं लैपटॉप देखूंगा या लैपटॉप देखूंगी, खाना वाना खा लूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, फिर नेक्स्ट दिन काम, वही मेरे लिए अच्छा है। अपना कोई मूवी देख लिया, कोई गेम खेल लिया। जब आप इस ग्रुप में रहोगे विदाउट एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस, कोई मोबाइल या लैपटॉप आपके सामने नहीं होगा, तब आपको पता चलेगा कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें भी मज़ा बहुत ज़्यादा है। सो दिस थिंग्स आर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रियलाइज विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई होप यू लाइक इट। And if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.